आज केजरीवाल सर आ रहे हैं, एक दिन का टूर है, लॉन्चिंग दैट डोर टू डोर कैंपेन, बड़ी होने से देखिए गोवा में 14 तारीख को इलेक्शंस हैं, पूरा चुनाव का माहौल तैयार है। गोवा के लोग इस बार ये बदलाव चाहते हैं। गोवा के लोग जो अभी पॉलिटिक्स एज यूजुअल है उससे परेशान है, वो एक ऐसी पार्टी चाहते हैं जो गोवा में चेंज लेके आए। और अगर आप सारे सर्वे देखिए तो अगर विकल्प के रूप में एक पार्टी निकल के आ रही है तो वो आम आदमी पार्टी निकल के आ रही है। गोवा के लोगों को दिखता है कि अरविंद केजरीवाल ने गोवा के लिए एक विजन दिया। वो सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि एक पार्टी से कोई दूसरी पार्टी में गया, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी में गया। वो चाहते हैं कि गोवा के लोगों की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगी, गोवा के स्कूल कैसे अच्छे होंगे, हॉस्पिटल्स कैसे अच्छे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्री मिलेगी, यूथ को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगी। एंड दैट इज द रीजन व्हाई द पीपल ऑफ गोवा वांट आम आदमी पार्टी। मैडम, एज ऑफ नाउ टुडे यू आर कवरिंग थ्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, राइट? टुडे एंड टुमारो। यस, कॉन्स्टिट्यूएंसीज का भी कुछ प्लान है? देखिए, प्लान हमारे पास पूरी 40 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का है। एंड आम आदमी पार्टी इज गोइंग टू डू एक्सट्रीमली वेल इन दिस इलेक्शन एंड इमर्ज एज एन ऑल्टरनेटिव दैट इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म गोवा। मैडम, केजरीवाल ऐसा नहीं, ही बी टूरिंग फॉर कलिंग कॉन्स्टेंस ऑल्सो विथ यू, हाउ इज द मींस हाउ डू यू फील अबाउट इट? यस, वी आर वेरी एक्साइटेड दैट सर इज कमिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूएंसी। अनफॉर्चुनेटली द टाइम अलॉटेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंसी इज रादर स्मॉल, वी वांटेड हिम फॉर लॉन्गर। नेवरदलेस, we are making sure that he meets some people at least because of the scarcity of time, and the people who have the site that has been selected, the people are very excited, and as we said, we are all excited that Aam Aadmi government is going to be the next government in Goa, because this government is going to be a government asset, a government with a vision, a government that wants to fulfill the basic needs of the common man, and that is what true governance and good governance is all about. Kejriwal roaming in a conference will give you an upper edge for the campaigning, you need to say? I'm sure it will, and more importantly, I think the people are excited that they're getting an opportunity to meet with sir. केजरीवाल येता गोयांत आनी डोर टू डोर कॅम्पेनिंग चालू करता, कितें सांगू शकता? केजरीवाल सर आफ्टर 15 डेज गोयांत येता, मदीं ब्रेक पडलो ड्यू टू कोवीड। सो आयज डोर टू डोर कॅम्पेनिंग आसा सांताक्रूज, सांतांद्रे, फाल्यां दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएंसी, आनी आतां ऑलमोस्ट इलेक्शन डिक्लेर जालां, कॅन्डिडेटूय आमी डिक्लेर केल्यात। सो आमचें काम आतां फूल स्विंग चालू आसा। सो म्हाका दिसता की हें येता ते फुडल्या विकान सगळें नॉमिनेशन जावन आनी डोर टू डोर कॅम्पेनिंग करून, आतां कोविडा खातीर रिस्ट्रिक्शन केलें, ओन्ली 5 मेंबर आसा, सो डोर टू डोर करून आमी आयच्या दिसान आम आदमी पार्टी एक अशी पार्टी आसा तिणी फूल गोवा कवर केला डोर टू डोर कॅम्पेनिंग करून, आनी आमकां पॉझिटीव रिस्पॉन्स आसा। सो आमी दिसता की एक एफर्ट केजरीवाल सरकारान अंडर गव्हर्मेंट गोंयान जातलो, क्लीन गव्हर्मेंट जातलो, ही आमी आशा दवरता। तशेंच ऑपोजिशन अजून चिंतता की केन्ना तिकेट दितले, केन्ना हे पार्टी डिक्लेर करतले, ते पार्टी डिक्लेर करतले, पूण आमी तशेंच आमचे कँडिडेट ऑलरेडी डिक्लेर जाल्ले, 26 वीकान आनी एक लिस्ट डिक्लेर जातले। आमी कोणाक रावना, आमचे डायरेक्ट गोवा एक न्यू गव्हर्मेंट बरो दिवपाचो, जेणे करून एम्प्लॉयमेंट जितली प्रॉब्लम जाल्या भुरग्यांक दिता आमी तेच प्रॉब्लम सॉल्व करपाक, आनी लोकूय पळयता की केजरीवाल सरकार अंडर गोवा डॅवलप जातले आनी नीट एंड क्लीन गव्हर्नमेंट गावतले। अमिताभ आयज तुमी कॅन्डिडेट डिक्लेर केल्ले, हाजे पयलीं तुमी जायते एक्सपोज केल्ले, आनी यू आर बीन विथ पीपल ड्युरिंग पॅन्डेमीक ऑल्सो, हाव इज द रिस्पॉन्स ऑफ गेटिंग इन युअर कॉन्स्टिट्युएंस? एक नवो वारो परिवर्तनाचो गोंयान आयला, तो क्लियरली दिसून येता। आज जेन्ना आमी डोर टू डोर करता, आमी ऑलमोस्ट आमच्या सगळ्या कॅन्डिडेटांनी 80%, 90% ऑर समटायम्स सम पीपल हॅव डन सेकंड राउंड ऑफ डोर टू डोर। प्रत्येक घरान जेन्ना आमी वता न्ही, एक नवी आशा लोकांक दिसता आमच्या कॅन्डिडेटांनी आमचे मदीं। आनी हांव सुद्दां ही सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएंसी वीच इज द बॅस्टियन ऑफ काँग्रेस आनी वीच हॅड बीन कमिंग क्लोज टू बीजेपी, आज ते क्लियर दिसून येता की आज जो सपोर्ट लोकां कडल्यान दिसून येता, एक एक्सपेक्टेशन एक कितें आसा की 20-25 वर्सां आमची कॉन्स्टिट्युएंसी पणजेक लागीं आसूनी आज
दुर्लक्षित उरल्या ती कशे तरेन चेंज जाता आनी कशे तरेन एक पॉजिटिविटी आज आमच्या तर्फे तांकां दिसता आनी तांचे कडल्यान जे आमकां मोग मेळटा पळय तो अमेझिंग आसा. रिजल्ट कितेंय जावं तो रिजल्ट पॉजिटिव्ह जातलो अशें तरी दिसता. कारण सरळ सरळ लोकांचे ओपनली अजून पर्यंत म्हाका दिसना सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएंसीन कोण येवन भायर सरून सांगिल्लें की आमी तुमच्या बरोबर आसा म्हणून. आज ओपनली येता भायर येता कारण गुंडागिरी इतली जाल्ली आमच्या कॉन्स्टिट्युएंसीन की लोकांक भंय दिसतालो. आतां तें वातावरणूच चेंज जालां. एक एडवोकेट म्हणून एक नवो कँडिडेट म्हणून एक शिकिल्लो मनीस म्हणून जो आज सपोर्ट कॉन्स्टिट्युएंसीन तो पळयत जाल्यार म्हाका दिसता सेलेब्रेशन आमी आतांच सुरूच करपाक जाय. आनी होल कॉन्स्टिट्युएंसी म्हणजे अशें न्ही मेरशे कालापुरा आनी चिंबल होल कॉन्स्टिट्युएंसीन प्रत्येक जाग्यार भोंवता भोंवता तो दिसता. आम आदमी पार्टीचो जो वारो आसा आम आदमी पार्टीचें जें एक्सपेक्टेशन लोकां कडल्यान आसा तें करप्शन फ्री गव्हर्नन्स आमी दिवपाक शकता आनी ताजें एग्जाम्पल दिल्ली नासा. सो एक एग्जाम्पल पळोवन तें आमी कॅपेबल आसा म्हणून ताका दिसता ही परिस्थिती. Thank you.
बात करेंगे आ गए गोवा में।